कहाँ घर करोगे का मामला हो गया सर? हमारे सामने कोई मामला नहीं है। ये ऐसा कृत्य कर वीडियो वायरल हो गया, कहा जा रहा है वायरल? हमारा वीडियो वीडियो नहीं है नहीं। तो दोहरे वीडियो वायरल हो रहा है? नहीं हमारा वीडियो तो दबाव में तो नहीं बदल गया? हमारा कोई दबाव नहीं, हम सुबह जा रहे हैं। हमारा वीडियो जो वीडियो वायरल हो रहा हो उसमें आपका वीडियो है? नहीं है सर, हमारा वीडियो है नहीं। आपने वीडियो देखा नहीं क्या? हम देखा सब तरीका सर। देखिए ऐसा है कि मेरा पुत्र कांग्रेस शुक्ला राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। अभी हाल में हमारे ग्राम पंचायत का पंचायत चुनाव हुआ, उसमें हमारे परिवार के ही 4 लोग उम्मीदवार थे, हम लोग बिल्कुल होपलेस थे और वहाँ का चुनाव पुष्पेंद्र सिंह जीत गए। बस उसी का आक्षेप हमारे ऊपर लगा के कि ये उस तरफ थे और हम लोगों को हरा दिए। तो ये लोग हमको बहुत परेशान किए। जनवरी से हमारे घर में शादी थी, फरवरी में उसमें पूरा व्यवधान डाले। फिर इसके बाद अभी हाल में हमारे बच्चे हमारे घर में आके गाली देते थे, लोग हथियार लेके घूमते थे। 15-20 लोग थे उसमें, आदर्श शुक्ला प्रमुख रूप से था, हमारे परिवार का है। उसकी रिपोर्ट हमारा लड़का अरणजीत सिंह चंदेल आके थाने में 6 जून को रिपोर्ट दर्ज कराए हैं कि हमारे घर वालों को परेशान कर रहे हैं, हमको मारने की धमकी दे रहे हैं। उनका गैंगस्टर है आदर्श शुक्ला का, और वही लोग जो है इस तरह का षड्यंत्र और इस तरह का फर्जी वीडियो बना करके हमारे बच्चों को फंसा रहे हैं सर, जबकि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। यही मेरा कहना है, आज हमको परेशान किया जा रहा है। दीनदयाल साहू भी प्रीति स्टूडियो के नाम से ये अपना कार्य चलाता है, ये फर्जी वीडियो और फर्जी इस तरह का काम करने के लिए माहिर व्यक्ति है। मेरा ये निवेदन है शासन से, प्रशासन से मैं गुहार लगा रहा हूँ आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि हम लोग निर्दोष हैं, निरापराध हैं। ये वीडियो कौन बनाया? ये दीनदयाल और मृत्युंजय प्रसाद गौतम, दीनदयाल साहू मृत्युंजय प्रसाद गौतम द्वारा ये बनाया गया फर्जी अपने स्टूडियो से। ऐसा भी कहा जा रहा है कि शुक्ला जी ये बताइए कि जैसा कि अब जो अब वीडियो वायरल हुआ उसमें आपके पुत्र को कहा गया है जी, आईडी बना के नहीं वाला जो भाई, क्या आपको थाना बुलाया गया पुलिस के द्वारा, किसी तरह से आपको तंग परेशान किया गया? देखिए हमको जो है तो हमको बुलाया गया, हमारे एक भाई आए हैं और हमारी पत्नी को और हमारी बहू को रात में 9 बजे उठा लाया गया, उनका मोबाइल छुड़ा लिया गया है, अब भी मोबाइल पता नहीं किसके पास है, पुलिस वालों के पास। हमारे मैडम को यहाँ चक्कर मार दिया, वो ब्रेन की उनकी दवा चल रही है प्रकाश खेतान इलाहाबाद, तो उनको भी अटैक आया है थाने परिसर में। हम लोग बहुत व्यथित हैं इस घटना से, बहुत व्यथित हैं, और वीडियो भी फर्जी है, स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा है। हम आज देखे हैं वीडियो तो हम खुद अस्तब्ध हैं, ये पूर्णतः फंसाने की साजिश है। तो निवेदन है, हमारा भाई आके यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट भी 1 जुलाई को लिखाए हैं, और यही हमारी पूरी दास्ता है। तो हम निवेदन करते हैं शासन प्रशासन और सब आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि हमारे साथ न्याय हो। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सीधी विधायक के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये 4-5 साल से वो विधायक प्रतिनिधि आज भी हैं, भाजपा के नेता है, विधायक प्रतिनिधि है, इसी का राजनीतिक शिकार हो रहे हैं। विपक्ष पार्टी और कुछ गुटी राजनीति के चलते इस तरह का हवा दिया जा रहा है। अच्छा, आप इनके परिवार हैं? जी हाँ परिवार है। ये वीडियो कब का है, कैसे कुछ बताइए इसके बारे में? वीडियो 2-3 साल पुराना है, और प्रवेश ने हमको बताया था कि हमारी एक वीडियो एडिट करके और हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और उसमें पैसा मांगा जा रहा है ब्लैकमेल करके, और वो 25 जून से ही मानसिक उसकी प्रताड़ना थी, तो घर में खाना तक नहीं खा रहा था, और पुरानी रंजीश चुनाव था जनवरी में, और हमारे परिवार के लोग आदर्श शुक्ला और एक दीनदयाल साहू है, वही एडिट करके वीडियो को वायरल करके और मांगते थे पैसा कि हमको पैसा तो नहीं वायरल कर देंगे। और हमने 29 तारीख को फिर ये लापता हो गया, प्रवेश शुक्ला घर से ये कह के निकला कि हम आत्महत्या कर लेंगे, वो हम बचेंगे नहीं, हमारी बदनामी होगी और हमारी पार्टी और गांव देश में हम कैसे मुंह दिखाऊंगा, हमको परेशान किया जा रहा है। फिर हमने थाने में जाके 29 तारीख को गायब हो गया,
फिर हमने एक तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई थाने में गुमशुदगी की, और उसमें लिखाया हाँ कि परेशान किया जा रहा है और पैसा मांगा जा रहा है। उसमें चार आरोपी थे, उसमें आदर्श शुक्ला, दीनदयाल साहू और मृत्युंजय गौतम और प्रवीण कुमार शुक्ला उर्फ पिंटू। लेकिन पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं किया, आए और बयान वहाँ लिए और लेके चले गए। इसके बाद ये कब दोबारा वीडियो वायरल हुआ है फिर? ये वायरल दोबारा वीडियो अभी जब हमको पता चला कल तब वायरल हुआ। इसके बारे में पहले हमको कुछ नहीं जानकारी थी ना कुछ था।